नमस्ते दोस्तों, कैसे उम्मीद करते बढ़िया होंगे। हम लेकर आए हैं नई वीडियो और नई जानकारी। आज के इस वीडियो में हम आपको हिमांशु नागपाल की सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे। हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाले भूना गांव में जन्मे हिमांशु नागपाल की शुरुआती पढ़ाई यहीं से हुई है। पांचवी तक की भूना से पढ़ाई करने के बाद हिमांशु ने बारहवीं तक की पढ़ाई हांसी में पूरी की। इन्होंने बारहवीं की पढ़ाई में हिंदी मीडियम से ही पूरी की है। बारहवीं के बाद हिमांशु नागपाल दिल्ली आ गए और उन्होंने हंसराज कॉलेज में कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। हिमांशु के पिता उन्हें दिल्ली छोड़ने आए और कॉलेज में उनकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी। हिमांशु के पिता ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम भी टॉपरों की लिस्ट में आए और इस बोर्ड पर लगे। फिर हिमांशु नागपाल को दिल्ली छोड़कर उनके पिता गांव लौट गए। इस दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। पिता के मौत ने हिमांशु को झकझोर दिया, लेकिन उनके आखिरी शब्दों को उन्होंने गंभीरता से लिया और ग्रेजुएशन के साथ ही यूपीएससी की तैयारी करने लगे। इस दौरान हिमांशु के चाचा ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। हिमांशु नागपाल अभी भी पिता के मौत के सदमे से बाहर ही नहीं निकले थे कि कुछ महीनों बाद उनके भाई की भी मौत हो गई। इसके बाद वह पूरी तरह से टूट गए और वह घर लौट आए, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके चाचा ने एक बार फिर उन्हें संभाला और पढ़ाई के लिए वापस दिल्ली भेजा। पिता और भाई के मौत के सदमे से उभरने के बाद हिमांशु नागपाल ने यह ठान लिया कि वह किसी भी हाल में यूपीएससी एग्जाम को पास कर आईएएस अफसर बनेंगे। इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और पहले ही प्रयास में महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी में 26वीं रैंक हासिल कर उन्होंने अपने पिताजी का सपना पूरा किया और आईएएस अफसर बने। आपको हिमांशु नागपाल की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और अंत में कहूँगा, आपकी तैयारी इतनी खामोशी से होनी चाहिए कि आप जब मंजिल पर पहुँचे तो उसका डंका दुनिया भर को सुनाई देना चाहिए। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे नॉलेजेबल और सक्सेसफुल स्टोरी अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।